हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सीए श्रुति गोयल एंड वेलकम टू गरुण प्रोफेशनल एकेडमी। वी आर डूइंग चैप्टर 10 कंपनीज अकाउंट ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स एंड हियर वी आर डूइंग इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर। उसमें इलस्ट्रेशन 7 एंड 13 वी विल डू टुडे रिगार्डिंग ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट। जैसा कि आपको पता है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कंपनी जितने शेयर के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट करती है, जब उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है तो दैट इज केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, सपोज कंपनी को इश्यू करने कितने शेयर, 10,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए रिसीव हुआ है, 15,000 शेयर्स के लिए, तो उस वक्त कंपनी तो 10,000 ही इशू कर सकती है, जो एक्स्ट्रा 5,000 है उनका क्या करें। कंपनी के पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन वन, रिफंड एक्स्ट्रा मनी। रिफंड एक्स्ट्रा, स्टार्टिंग में जो 10,000 आए वो ठीक है, उनको शेयर्स दे दिया, जो रिमेनिंग 5,000 है उनको उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दिया। ऑप्शन टू, प्रोपोर्शनेटली शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जैसे 10,000 जो शेयर अप्लाई हुए वो 2-3% या उससे भी ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किए होंगे, तो उनको उसी प्रपोर्शन में दो। कैसे प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर। जैसे नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड यहाँ पे कितने, 10,000 है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी अप्लाइड है 15,000, तो ये प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, 2:3, मतलब जिसने 3 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको कितने शेयर्स इशू करेंगे, यस उसको शेयर इशू करेंगे 2। सपोज मिस्टर ए है, अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स, मिस्टर सी अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स एंड मिस्टर बी अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स, ये हो गए टोटल अप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स। इनको सबको देना है 2:3 में, तो मिस्टर ए को मिल जाएंगे 2,000 शेयर्स, मिस्टर बी को 4,000 शेयर्स एंड मिस्टर सी को 4,000, 2:3 के रेशियो में ये टोटल हो गया 10,000। मतलब जिस तरीके से 15,000 के लिए एप्लीकेशन आया था उसी तरीके से उसी रेशियो में प्रोपोर्शनेटली 2:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऑप्शन थ्री क्या होता है, ऑप्शन थ्री होता है पार्टली रिफंड कर दीजिए और उसके बाद पार्टली प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर दीजिए। तो ये जो प्रोपोर्शनेटली अलॉट है उसे बोलते हैं प्रोरेटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट को ही कहा जाता है प्रोरेटा अलॉटमेंट। नाउ वी विल लर्न द कैलकुलेशन इन इलस्ट्रेशन सेवन की किस तरीके से प्रोरेटा अलॉटमेंट या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जब प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। JHP लिमिटेड इज अ कंपनी विथ ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल यहां पे पता है 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है, ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैज बीन इश्यूड फुली एंड पेड ऑन 30 जून 2016। 6 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच इशूड ऑन जून 2016, मतलब वो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं। द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख शेयर। अब कंपनी 1 लाख शेयर और इशू करना चाहती है जिसकी एंट्री और अकाउंटिंग हमें सीखनी है, ऑफ 10 शेयर। अभी कितने कंपनी को इशू करने हैं, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच at a price of 14 ईच। मतलब कंपनी का इशू प्राइस क्या है, 14 माइनस नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो 4 रुपीज़ है वो क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब कंपनी 4 रुपीज़ के प्रीमियम पे इशू कर रही है, 10 के शेयर्स कितने में इशू कर रही है, 14 में। That means company is issuing share at a premium of rupees 4.
अब देखिए यहाँ पे क्या मिला है, द अरेंजमेंट फॉर पेमेंट बीइंग एप्लीकेशन में 2 रुपीज, एप्लीकेशन मनी में 2 रुपीज, अलॉटमेंट 5 per share, जिसमें 1 रुपीज अलॉटमेंट के लिए, रिगार्डिंग 4 रुपीज प्रीमियम के लिए है, 1+4, और कॉल में रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना हो जाता है, 7 रुपीज फॉर कॉल, हो गया टोटल 10 रुपीज फॉर शेयर कैपिटल एंड 4 रुपीज फॉर शेयर प्रीमियम। अब देखिए आगे क्या हुआ, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3,55,000 शेयर्स, कंपनी इशू कितने शेयर करना चाहती, केवल 1 लाख, लेकिन एप्लीकेशन कितने का मिला, 3,55,000 का, मतलब 2,55,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन है। अब कंपनी क्या करेगी, 3 कैटेगरी में यहां एप्लीकेंट्स को डिवाइड किया गया है, एक तो जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, नंबर 1 जिन्होंने अप्लाई किया है 5,000 शेयर्स के लिए, नंबर 2 जिन्होंने अप्लाई किया है 30,000 शेयर्स के लिए, एंड नंबर 3 जिन्होंने अप्लाई किया है 3,20,000 शेयर्स के लिए। इस तरीके से टोटल ये शेयर्स हो गए 3,55,000 शेयर्स। इसका कंपनी ने क्या ट्रीटमेंट किया है, नाउ विल सी। अब हम देखते हैं कि इस ओवर सब्सक्रिप्शन को कंपनी ने किस तरीके से डील किया है। सबसे पहले यहाँ हम टेबल बनाएंगे, एप्लीकेंट या एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने शेयर्स के लिए, 5,000 शेयर्स के लिए एक अलग, देन 30,000 शेयर्स के लिए एक अलग, एंड 3,20,000 शेयर्स के लिए एक अलग कॉलम वी विल मेक। नाउ एप्लीकेंट ऑफ 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल, शेयर अलॉटेड 5,000 वाले को पूरा 5,000, एंड देन एप्लीकेंट फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर अप्लाइड, तो इन टू 1/2 के अकॉर्डिंग 15,000 शेयर्स इन्हें मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, नो मनी वॉज रिटर्न टू दिस एप्लीकेंट्स, मतलब कोई भी मनी जो एक्स्ट्रा, अब देखिए इन्होंने एप्लीकेशन कितने 1,000 शेयर के लिए दिया, 30, तो एप्लीकेशन मनी भी उसके अकॉर्डिंग दी होगी, लेकिन इनको मनी जो एक्स्ट्रा हो गई, अब अलॉट क्योंकि 15,000 शेयर इनको केवल किए गए, मतलब 15,000 × 2 रुपीज इन्होंने एक्स्ट्रा पे किया है, उसको रिफंड नहीं कर रहे हैं। अगर रिटर्न नहीं कर रहे तो क्या किया जा रहा है, सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब जो भी एक्स्ट्रा मनी इन्होंने पे कर दी उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो हम एडजस्ट कर देंगे, पहले उसके लिए पता चलना चाहिए मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड कितनी है इंटू 2 के अकॉर्डिंग, इंटू 2 करेंगे सब में तो पता चल जाएगा, क्योंकि हमें पता है एप्लीकेशन मनी कितनी है 2 रुपीज, तो 5,000 × 2 इज इक्वल टू 10,000, 15,000 × 2 इज इक्वल टू 30,000 × 2, क्योंकि जो एप्लीकेशन दिया था उसका इंटू 2 करेंगे, 30,000 × 2 दैट इज 60,000 रुपीज हैज बीन रिसीव्ड। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेंट फॉर 3,20,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड इंटू 1/4, 320 का 1/4 हो गया 80,000, मतलब इन्हें केवल 80,000 शेयर्स दिए गए। यहाँ पे अगर आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 3,55,000 और ये आ जाएगा ₹1,00,000। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाई द कंपनी, द एक्सेस बींग रिटर्न टू द एप्लीकेंट, मतलब अलॉटमेंट तक जितना एडजस्ट हो रहा है उतना तो रखा, और उसके बाद भी कुछ अगर अमाउंट बच रहा है तो दैट इज रिफंडेड टू द शेयर होल्डर्स। तो इनसे कितनी मनी रिसीव हुई होगी, 3,20,000 × 2 दैट इज 6,40,000, टोटल मनी कितनी रिसीव हुई, 7,10,000, ये हो गई मनी रिसीव्ड। यूज्ड फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए कितनी मनी यूज होगी, जितना भी इनको अलॉट किया गया इंटू 2, तो ये पूरी 10,000 उनकी यूज हो गई। देन एप्लीकेशन में सेकेंड स्लॉट वालों के 30,000 एंड थर्ड स्लॉट वालों के 1,60,000 रुपीज एप्लीकेशन में यूज हो गया। नाउ अब देखते हैं कि अलॉटमेंट में कितना तक एडजस्ट किया जा सकते हैं,
अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कितना करना है, यहाँ पे जीरो, क्योंकि जितना भी अमाउंट मिला था वो पूरा यूज हो गया किसमें, एप्लीकेशन में ही पूरा अमाउंट यूज हो चुका है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब देखिए यहाँ पे मनी रिसीव 60,000 थी लेकिन 30,000 एप्लीकेशन में बचा हुआ है, मतलब अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हो सकता है, पूरा 30,000। रिक्वायर्ड कितना है एप्लीकेशन के लिए, अलॉटमेंट के लिए 15,000 × 5। पहले हम ये देख लेते हैं कि अलॉटमेंट के लिए रिक्वायर्ड कितना है, अलॉटमेंट में ड्यू कितना है, अलॉटमेंट में ड्यू होगा × 5 के अकॉर्डिंग, 4 rupees फॉर प्रीमियम एंड 1 rupees फॉर अलॉटमेंट। 5,000 × 5 = 25,000, 15,000 × 5 = 75,000 और 80,000 × 5 4 lakh rupees इज रिक्वायर्ड फॉर थर्ड स्लॉट, जिसमें से इन्होंने इनको पूरा 25,000 लेके आना पड़ेगा बिकॉज एक भी रुपए एप्लीकेशन से एडजस्ट नहीं हुआ है। सेकेंड स्लॉट वालों के लिए 30,000 हम एडजस्ट कर देंगे, फिर भी उन्हें 45,000 rupees लाना पड़ेगा। अलॉटमेंट में रिसीव कितना होगा, इनसे पूरा 25,000 रिसीव होगा, इनसे 75, सेकेंड नंबर में 75,000 में से 30,000 एडजस्ट कर दिया गया है, तो एप्लीकेशन रिसीव होगा, अलॉटमेंट रिसीव होगा 45,000 rupees अलॉटमेंट में रिसीव होंगे। एंड देन थर्ड स्लॉट में, थर्ड स्लॉट में देखिए 1,60,000 rupees एडजस्ट हो गए हैं एप्लीकेशन में, लेकिन जब 6,40,000 - 1,60,000 हम करते हैं तो हमें पता चलता है कितने एक्स्ट्रा मनी है, 4,80,000, जिसमें से अलॉटमेंट में कितनी यूज होनी है, केवल 4 lakh, इसलिए अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे 4 lakh। जो एक्स्ट्रा 80,000 है उसको क्या करेंगे, रिफंड, तो अलॉटमेंट में यहाँ कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, बल्कि इनका रिफंड कितने का हो जाएगा, रुपीज 80,000 का रिफंड बन रहा है, 4 lakh एडजस्ट करने के बाद भी 80,000 rupees जो एक्स्ट्रा है दैट इज बीइंग रिफंडेड टू देम। ये आपका टेबल बन गया, ये टेबल एक बार फिर से देखते हैं। देखिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ था जिनका तीन तरीके से ट्रीटमेंट किया गया, इसलिए तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, पहला जिनके लिए 5,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, दूसरा जिनके लिए 30,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, थर्ड जिनके लिए 3,20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुए थे। अब उनमें से शेयर अलॉटमेंट कितना हुआ, 5,000 वालों को 5,000, 30,000 वालों को 15,000 एंड 3,20,000 वालों को 80,000। नाउ उनसे मनी कितनी रिसीव हुई, 2 rupees के अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन पे 2 rupees के अकॉर्डिंग 10,000, 60,000 and 6,40,000। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अलॉटमेंट मनी तक एडजस्ट कर लेना है जो भी एक्स्ट्रा मनी, और उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा है तो हम रिफंड कर देंगे। तो हमने देखा पहले यूज ऑफ एप्लीकेशन में 10, 30 और 160 हो गए, अब जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। तो नंबर 1, 5,000 शेयर के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। नंबर 2, 30,000 एडजस्ट हो रहा है, 75 टोटल चाहिए थे, 45 और वो लोग लेके आएंगे अलॉटमेंट में। और नेक्स्ट जो है लास्ट, उसमें 4,80,000 एक्स्ट्रा है, जिसमें से 4 lakh एडजस्ट हो गया फॉर अलॉटमेंट मनी एंड 80,000 इज बीइंग आर रिफंडेड। नाउ इसके बेसिस पे, जो हमने ये कैलकुलेशन किया उसके बेसिस पे वी विल डू जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ जेएचपी लिमिटेड। देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है उसकी एंट्री करते हैं, तो हमें पता है एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, 7,10,000। इधर भी पूरा टोटल कर लेते हैं हम, इधर यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 2 lakh rupees, अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना कर रहे हैं, 4,30,000 rupees एंड देन अलॉटमेंट में ड्यू कितना है टोटल 5 rupees के अकॉर्डिंग 5 lakh rupees, जिसमें से अलॉटमेंट मनी रिसीव कितनी होगी 70,000 और एडजस्ट कर लिया 4,30,000 एंड 80,000 वी हैव टू रिफंड। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल ये कैलकुलेशन हो गया, और इसके बेसिस पे हमें केवल अब जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले July 1st को जब एप्लीकेशन इनवाइट किए तब रिसीव हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है हमारे पास? टोटल है 7,10,000। अब इस 7,10,000 के बाद हमने क्या किया है, इसमें से कुछ अमाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, कुछ अमाउंट रिफंड कर दिया है और कुछ अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए हैं। तो देखते हैं शेयर एप्लीकेशन का क्या ट्रीटमेंट होता है। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th July 2016 एंड फर्दर रुपीज फॉर 5 शेयर एंड जिसमें 4 रुपीज है प्रीमियम से रिलेटेड। तो पहले जो भी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देते हैं जुलाई 10 को शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 2 रुपीज इंटू 1 लाख के अकॉर्डिंग जाएगा, 1 लाख इंटू 2 रुपीज के अकॉर्डिंग जाएगा 2 लाख रुपीज। और अभी जो 5,10,000 एक्स्ट्रा है उसका देखते हैं हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। जुलाई 10 को ही बचे हुए अमाउंट को हम रिफंड कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जो एक्स्ट्रा है 5,10,000 उसमें से देखिए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया 4,30,000। तो ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 4,30,000 और बैलेंस कितना बचा 80,000 वो रिफंड कर रहे हैं। तो टू बैंक अकाउंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया 4,30,000 एंड अलॉटमेंट में बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया 80,000। ये 2 लाख और 5,10,000 टोटल 7,10,000 से डेबिट हुआ और 7,10,000 से क्रेडिट हो गया। जो 5,10,000 एक्स्ट्रा मनी मिली थी उसमें से 4,30 चला गया एडजस्टमेंट में अलॉटमेंट में एंड 80,000 को हमने रिफंड कर दिया। ये हो गई शेयर एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट। नाउ वी विल डू एंट्री ऑफ शेयर अलॉटमेंट। जुलाई 10 को ही शेयर अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तो क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 1 लाख इंटू 4 लाख रुपीज और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख इंटू 1 लाख रुपीज। तो टोटल इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना डेबिट हो जाएगा, 5 लाख रुपीज। अब देखिए आउट ऑफ दिस 5 लाख 4,30,000 तो एप्लीकेशन से एडजस्ट हो चुके हैं, इनके लिए बैंक ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है एप्लीकेशन के थ्रू, बचे हुए के लिए बैंक रिसीव होगी। तो बचे हुए के लिए बैंक रिसीव होगी तो इसकी क्या एंट्री पास होगी, कितने के लिए और रिसीव होनी है, ऑल रिसीव 70,000 अलॉटमेंट में रिसीव कितना होना है अभी 70,000। तो दैट वी विल रिसीव जुलाई 10 को बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 70,000। मतलब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जो टोटल 5 लाख से डेबिट हुआ है उसके लिए 70,000 आए बैंक से एंड 4,30,000 आए शेयर एप्लीकेशन से। अर्लियर हम क्या करते थे, जब फुल सब्सक्रिप्शन रहता था तो टोटल अमाउंट बैंक से मिलता था, लेकिन अभी बैंक पहले ही एप्लीकेशन में रिसीव हो चुका है जो कि यहाँ पे एडजस्ट किया गया है इस एंट्री के थ्रू। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,10,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में चले गया 4,30,000, 4,30 वहां से आ गया और बच्चा जो 70,000 कम पड़ रहा था वो हमने बैंक से बुला लिया। तो इस तरीके से ये भी एडजस्टमेंट हो गया। और नाउ जब कॉल ड्यू होगी तो हम कॉल की एंट्री कर देंगे। कॉल कब ड्यू हो रही है, 30th अप्रैल को, 30th अप्रैल 2017 को जब कॉल ड्यू होगी तो क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7 रुपीज इंटू 1 लाख के अकॉर्डिंगली 7 लाख रुपीज। और जब भी फिर अमाउंट रिसीव होगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 7 लाख। ये बैंक अभी कब रिसीव हुई है वो नहीं बताया गया, तो हम यही मान लेंगे 13th अप्रैल 2017 को ही कॉल मनी भी रिसीव हो गई है।
इसके नरेशंस आप खुद से करेंगे क्वेश्चन से देख के, इजी है, जो जो किया है जनरल एंट्रीज बस वो लिखना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे जो मेन काम है प्रोरेटा अलॉटमेंट के केस में ये टेबल बनाना है। एक बार आपने टेबल सही तरीके से बना लिया तो जनरल एंट्रीज आर इजी। बस जो एक्स्ट्रा मनी है उसको देखना है कि शेयर एप्लीकेशन में जो कुछ भी एक्स्ट्रा मनी मिली है उससे क्या करेंगे, जो मेन अमाउंट है शेयर कैपिटल का वो तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, एंड एक्स्ट्रा अमाउंट या तो रिफंड हो जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है तो अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और फिर अलॉटमेंट में उतना ही कम अमाउंट बैंक से रिसीव होगा, बचा हुआ अमाउंट बैंक से रिसीव होगा, एंड एंटायर विल बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो ये इजी है, बस एक बार आपको ये टेबल अच्छे से बनाना है, सही कैलकुलेशन करना है, एप्लीकेशन रिसीव्ड उनको कितना अलॉट किए, कितना एप्लीकेशन में एडजस्ट कर रहे हैं, कितना अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट में कितनी एक्स्ट्रा मनी मिलनी है, कितना रिफंड करना है, ये कैलकुलेशन आप सही कर लीजिए, टेबुलर फॉर्म में कीजिए, दैट विल बी ईजी। और उसके बाद तो फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ शेयर फॉरफिचर का क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 13, क्योंकि वो प्रो रेटा से अलॉटमेंट था इसलिए हम प्रो रेटा अलॉटमेंट सीखने के बाद अब वो इलस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, इलस्ट्रेशन 13। Let's read illustration 13. Mr. Shami has applied for 1000 shares. Shami ne apply kitne ke liye kiya? 1000 shares ke liye. And of company XYZ Limited paying application money of rupees 2. Matlab unhone application mein kitna pay kiya? 2000 rupees. But share has been allotted only 600 shares. अलॉटेड कितना किया उन्होंने, उनको अलॉट 600 शेयर्स इनटू 2, मतलब एप्लीकेशन मनी केवल कितनी बनती थी 1200, अब ये 800 हो गया एक्स्ट्रा मनी। उन्होंने 2000 पे किया जिसमें से 1200 हैज बीन यूज्ड फॉर एप्लीकेशन एंड 800 बच गया एक्स्ट्रा। द शेयर हैव अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 एंड अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम है 2 रुपीज एंड इशू प्राइस है 12 रुपीज, विच आर पेबल एज ऑन अलॉटमेंट रुपीज 5। एप्लीकेशन में हमें पता है एप्लीकेशन में कितना मनी है 2 रुपीज, अलॉटमेंट में 3 अलॉटमेंट का और 2 रुपीज प्रीमियम का, इस तरीके से अलॉटमेंट में टोटल 5 रुपीज, जिसमें अलॉटमेंट में टोटल 5 रुपीज, जिसमें से 3 रुपीज है प्रीमियम अलॉटमेंट मनी एंड 2 रुपीज है सिक्योरिटी प्रीमियम, एंड फाइनल कॉल है रुपीज 5। नाउ मिस्टर इन केस ऑफ मिस्टर शामी डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होगा हमें ये देखना है। अब देखिए अलॉटमेंट में उन्हें कितना पे करना था, टोटल 600 इंटू 5, जिसमें से 600 इंटू 2 दैट इज 1200 फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 600 इंटू 3 दैट इज 1800 फॉर अलॉटमेंट, टोटल उन्हें पे करना था 3000 रुपीज। लेकिन क्योंकि जो एक्स्ट्रा मनी थी 800 रुपीज़ जो उन्होंने एक्स्ट्रा दिया था, ये वाला 800 जो उन्होंने एक्स्ट्रा दिया था एप्लीकेशन पे, मिस्टर शामी ने 800 एक्स्ट्रा दिया था एप्लीकेशन के वक्त, अब क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि एडजस्ट किया है या नहीं किया, तो हम यही मानेंगे कि वो मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गई होगी। तो जो 3000 मिस्टर शामी ने दिए, जो 3000 मिस्टर शामी को अलॉटमेंट के वक्त देने थे उसमें से जो 800 उन्होंने एक्स्ट्रा दिए वो एडजस्ट कर लिया गया, मतलब अब उन्हें केवल अलॉटमेंट में कितने देने थे 2200 रुपीस जो उन्होंने पे नहीं किए। तो हम यहाँ पे ये मानेंगे कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का 1200 है वो पूरा देना बचा हुआ है एंड 1000 रुपीस नॉट पेड फॉर एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम का अनपेड अमाउंट और ये हो गया अलॉटमेंट का अनपेड अमाउंट। ये क्यों बाइफरकेट करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर पे नहीं हुआ है तो उसे डेबिट करना पड़ता है, और उसको डेबिट करना है तो हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना अमाउंट नहीं मिला है।
तो मिस्टर शामी को अलॉटमेंट में जो 3,000 रुपीज पे करने थे उसमें से 1,200 रुपीज थे सिक्योरिटी प्रीमियम के एंड 1,800 रुपीज थे अलॉटमेंट के लिए। तो जो एक्स्ट्रा है वो हम यहाँ से माइनस करेंगे 800, और ये सपोज करेंगे कि अब अलॉटमेंट मनी के नाम पे उन्होंने 1,000 रुपीज़ नहीं दिया है और सिक्योरिटी प्रीमियम का पूरा 1,200 रुपीज़ उन्होंने नहीं दिया। इस तरीके से 2,200 टोटल अलॉटमेंट में नहीं रिसीव हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉल, कॉल में कितना अमाउंट ड्यू था जो कि रिसीव नहीं हुआ। 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उन्हें 600 शेयर अलॉट किए गए हैं, तो 3,000 रुपीज़ उन्हें पेमेंट करनी थी कॉल के लिए जो उन्होंने नहीं की, और अलॉटमेंट में 2,200 पे नहीं किया, टोटल उन्होंने 5,200 पे नहीं किया, और एप्लीकेशन के वक्त कितना पे कर दिया 2,000। इस तरीके से टोटल 7,200 बनता है जिसमें से शेयर फॉरफिचर अकाउंट में चल जाएगा 2,000 जो कि रिसीव्ड है, एंड जो 5,200 रिसीव्ड नहीं है वो चले जाएगा अलॉटमेंट एंड कॉल में, और 600 × 12 करेंगे तो यही 7,200 रुपीज़ आते हैं जो कि हमें पता है कि उनसे 2,000 मिले एंड 5,200 नहीं मिले। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम जनरल एंट्री करेंगे, क्योंकि शेयर का प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ इसलिए शेयर प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब रिसीव हो जाता तो शेयर प्रीमियम का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते, हमने ये नोट्स में देखा है। अगर शेयर प्रीमियम रिसीव हो गया होता अमाउंट तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, ना तो डेबिट में ना क्रेडिट में, लेकिन अगर शेयर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है शेयर फॉरफिचर करते वक्त तो उसे वापस डेबिट करना पड़ता है। पहले हम क्रेडिट कर चुके होते हैं इसलिए हम उसे फिर से डेबिट करते हैं। तो क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो जाएगा, 600 × 10 दैट इज 6,000। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा, 600 × 2 1,200 टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। शेयर फॉरफिचर अकाउंट में कितना कौन सा अमाउंट आता है जो कि रिसीव हो गया है, तो रिसीव हमें हो गया पूरा 2,000 रुपीज हैज बिन रिसीव्ड, 2,000 रिसीव हो गया इसलिए वो पूरा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में चले जाएगा। एंड देन शेयर अलॉटमेंट में कितना नहीं रिसीव हुआ है, 2,200, तो दैट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना बैलेंस बचे, 2,200, एंड टू शेयर कॉल अकाउंट। कॉल अकाउंट में कितना अमाउंट बचा है, पूरा 3,000 रुपीज। अब ये टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल है 7,200 इन द सेम मैनर, जब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल भी है 7,200, और इस तरीके से ये आपकी शेयर फॉरफिचर की एंट्री हो गई। यहाँ पे प्रो रेटा अलॉटमेंट था तो जो अमाउंट अलॉटमेंट में रिसीव हो चुका है उस अमाउंट को एडजस्ट कर दिया, उस अमाउंट को माइनस कर दिया, उसके बाद जो कुछ भी अमाउंट बचा वही केवल शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट हुआ, और जो रिमेनिंग अमाउंट था जो मिल चुका था वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में चला गया, और क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था इसलिए उसे डेबिट करना पड़ा, और शेयर अलॉटमेंट वाले अमाउंट में भी फिर उसका अमाउंट इंक्लूडेड है, अगर रिसीव हो गया होता तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाती। इस तरीके से आपका ये शेयर इशू एंड शेयर फॉरफिचर वाला यूनिट कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डेबेंचर इशू एंड डेबेंचर रिडम्पशन से रिलेटेड इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे एंड यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप ये सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज में भी चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज में भी कुछ कुछ क्वेश्चन है उन्हें भी सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, कोई भी इशू है तो आप मुझसे डाउट पूछें, एंड प्लीज़ कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।